अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजने की गूंज महीनों तक सुनाई देगी। इसके लिए संघ परिवार और भाजपा ने व्यापक कार्य योजना तैयार किया है। लोकसभा चुनाव तक पूरे प्रदेश को राममय करने की तैयारी है। आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अप्रैल तक बड़ी संख्या में लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के हर जिले की तिथि तय की जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र से भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा देश के हर क्षेत्र से दिग्गज इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। यह आयोजन सिर्फ यही नहीं सिमटेगा, आरएसएस और भाजपा ने इसे संकल्प सिद्धि के रूप में जनता के बीच में प्रचारित करने की योजना बनाई है। अभी तक बजरंग दल सहित विचार परिवार के अन्य सदस्य संगठन मोर्चा संभाल रहे थे, अब भाजपा भी इस मोर्चे पर जुटेगी। लोगों की आवाजाही का सिलसिला अगले 3 महीनों तक चलाया जा सके, इसके लिए वृहद कार्य योजना तैयार की गई है। एक और संघ ने देश भर में अपने संगठन के प्रांतवार लोगों को लाने की योजना तय की है, तो वहीं भाजपा ने प्रदेश भर में लोगों को लाने के लिए रणनीति बनाई है। वहीं प्रदेश में इसकी तैयारियां जिला स्तर पर की गई है। अक्षत वितरण के जरिए शुरू हुआ अयोध्या आमंत्रण का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर से 1 करोड़ से अधिक लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने की योजना है। आने वालों का कार्यक्रम इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि उसी दिन उनकी वापसी हो सके। वहीं सभी लोगों के निशुल्क भोजन की व्यवस्था संघ और भाजपा की ओर से की जाएगी। इसके लिए अयोध्या में बड़े पैमाने पर भंडारा चलाने की योजना बनाई गई है। इतना ही नहीं, जो श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे वो अपने पैसे से आएंगे, लेकिन उसके बाद की सारी तैयारी भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता करेंगे। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अनेक खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।